क्या हुआ? कितनी बार बोला तुझे यहाँ से जाने के लिए, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल जाइए यहाँ से। भैया मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए पैसा दो। अबे साले तुम लोगों का कोई काम नहीं है, आ जाते हो दिमाग खराब करने के लिए, चल जाइए यहाँ से। नहीं है हमारे पास पढ़ाई की उम्र में भीख मांग रहा है। हाँ यार पता है तुझे ये लोग भीख क्यों मांगते हैं? ये नशा करने के लिए मांगते हैं। हाँ भाई तुमने सही बोला, इन लोग ऐसे लोगों से पैसा मांग के नशा करते हैं। भैया मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, जिसके पास जाता वो मुझे कुछ नहीं देते, आप मुझे प्लीज कुछ खिला दीजिए। अरे छोटे तेरा बात सुन के मुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन क्या करूँ मेरा पास भी पैसा नहीं है तुझे खिलाने के लिए। भैया मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खिला दीजिए ना। अच्छा सुन मेरा बाइक के पीछे बैठ जा, आगे जाके कुछ इंतजाम होगा तो मैं तुझे जरूर खिला दूंगा। क्या रे इस भिखारी को लेकर क्यों आया? भाई मुझे तेरा पैसा की जरूरत है, उसको कुछ खिलाना है, वो भूखा है, मैं बाद में लौटा दूंगा तुम्हें। मेरा पैसा नहीं है, चल निकल। तू तो राइडर है ना, तो स्टैंड करके दिखा सकते हैं हम लोगों को, हम पैसा दे देंगे तुम्हें। हां दे देंगे, दिखा। तो फिर दिखा, पैसे मिल जाएगा तेरे को। हां दिखा, स्टैंड करके दिखा, तुझे पैसे दे देंगे। इधर इधर रुक, मैं उन लोगों को स्टैंड करके दिखाता हूं। नहीं भाई मुझे पता है उसका घर का हालत अच्छा नहीं है, इसीलिए वो भीख मांग रहा है। और एक बात सुनो, किसी को बिना जान के जाज मत करना। ठीक है भाई, ठीक है। अरे भाई तुम्हारा इंसानियत देख के दिल खुश हो गया यार। और भाई तुम्हारा स्टैंड देख के ना हम सब लोग फैन हो गए। क्योंकि भाई लोग मुझे पैसा देने के लिए शुक्रिया, तो अभी मैं चलता हूँ। ठीक है भाई चलो। भाई सुनिए ना, एक सेल्फी ले लेते हैं। हाँ भाई, हाँ एक सेल्फी हो जाए यार। ठीक है चल छोटे बैठ जा।